नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, वो कुछ कह रहे हैं। शाम तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, तभी उसका स्पष्ट फिगर आएगा। जो 9 लोग कोटद्वार हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सभी सकुशल हैं, अच्छे हैं अभी, और एक लोगों को एम्स रिफर किया गया है, और जो भी जरूरत है वहाँ पर वो भी करी जा रही है। जो घटना यहाँ हुई है एवलांच वाली, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी जानकारी की कमी थी, क्योंकि जिस इलाके में एवलांच आया है, जो ये पुराने लोग हैं संस्था के, उन लोगों को नहीं शामिल किया गया, नए लोग थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन लोगों को जानकारी नहीं लग पाई कि ये जगह जो है संभावित खतरे की जद में है। अब देखिए, ये तो सब चूँकि जो उसके विशेषज्ञ लोग होंगे वही बता पाएंगे, और अगर कहीं कोई ऐसी बात हुई है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा सीएम साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि राज्य सरकार की तरफ से या इस ऑपरेशन को लेकर क्या और कुछ कदम उठा रहे हैं, इस कोई बातचीत आपकी कहीं हुई है? नहीं, लगातार जैसे ही कल हमें मालूम चला था तो मैंने रक्षा मंत्री जी से बात करी थी, और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की इस समय ज़रूरत थी तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ गए हैं। रात्रि में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं जो है उन्होंने जानकारी ली है, और उन्होंने कहा है कि कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसको उस स्तर पर किया जाएगा, और जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं उनसे हम लोग बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। धन्यवाद। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उन्होंने जानकारी दी उत्तरकाशी में जो हुआ, पर्वतारोहियों का दल जिस तरीके से फंसा और कई लोग लापता हैं जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद भी की जा रही है, रक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई है, पीएम मोदी ने खुद इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली है, और आगे भी रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरीके से चलता वहां पर रहेगा जब तक सभी नहीं मिल जाते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।